हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी पे अपन ने बहुत हैवी डिनर बनाया था, तो आज कुछ हल्का बनाएंगे हम डिनर में। बैंगन की सब्जी बना रही और बैंगन की सब्जी के साथ में आज ये काली दाल की खिचड़ी बनाऊंगी अभी, और एक दिन के साथ डिनर बन के तैयार हो जाएगा। और आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है, बार बार बारिश आ रही है, बार बार बारिश जा रही है, इससे ठंडा मौसम भी हो गया, खिचड़ी का मौसम जैसा हो गया है। इस सुहाने मौसम में खिचड़ी खाने का मजा दिखा हो जाएगा, तो आज हल्का ही खाना बनाने की कोशिश करते हैं। आज डिनर में ये बनेगा, आज लगन चली गई थी तो बीच का मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, आज कल बाहर जाना था तो वहाँ जा कर ना, और आज सुबह से हमारे यहाँ पे बारिश रुक रुक के हो जा रही है, तो उसके बाद में आई मैं फिर चाय नाश्ता करा हमने, आज फिर हल्का फिर खाना बना के काम हो गया बहुत ज़्यादा काम होगा नहीं अपन से। कल बहुत हैवी हुआ ना अपना बन गया था, कल का चूरमा भी हमारा ऐसे कैसे बचा हुआ है, देसी घी में बनता है तो आराम से दो तीन दिन चलता है, कोई ख़राब होता नहीं, तो चूरमे भी हम मज़े लेंगे साथ में खाने के। साथ में ये खिचड़ी भी अपन रख देते हैं एक तरफ साइड में, धीरे धीरे ये पकती रहेगी। काली दाल की खिचड़ी होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में भी। इसके साथ में पुदीने की चटनी बनाऊंगी इसके साथ खाने के लिए। आज पूरा दिन ऐसे गया, आज बस में कहीं जाके आई, फिर किसी वेबसाइट में ऑफर चल रहा था, मैंने उसमें सामान वामान मैंने ऑर्डर करा तो बहुत जल्दी वो सामान आ गया मेरा, क्योंकि ऐसी वेबसाइट भी है जो जल्दी सामान भी प्रोवाइड करती है। मैंने प्याज मंगाए, चीनी मंगाई, आराम से टाइम में मतलब मैंने सुबह ऑर्डर करा था और दोपहर में मेरा ऑर्डर आ गया, तो ऐसी वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है जो जल्दी जल्दी अपना काम करती है, फटाफट से कोई झिकझिकबाजी नहीं होती है। अभी एक तरफ हमारी खिचड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी और मैं चटनी बना लूँगी, और फिर आज इनका डिनर करते हैं। बस ऐसे पूरा दिन मेरा गया है, आज बीच में बना नहीं सकी क्योंकि बारिश भी बड़ी तेज आ गई थी हमारे यहाँ पर, और अभी मौसम हो रहा है अभी बारिश होने का, तो बारिश वापस से हो सकती है यहाँ पे तेज। मैं चीनी पीस रही हूँ, चीनी पीस के इसको महीन चीनी कर देंगे हम, क्योंकि ये चीनी में दूध ठंडे दूध में इनमें डालने में ठंडे शरबत में इनमें डालने में काम लेती है, क्योंकि आसानी से भूल जाती है, और वैसे मोटी चीनी आधी रह जाती है आधी काम में जाती है, तो अच्छा चीनी पीस के रखो आराम से भूल जाती है वो, तो मैं पहले चीनी पीस के रख देती हूँ। चीनी हमारी पिस के तैयार है, ये विधि बिल्कुल बारीक चीनी पिसी है, ये आराम से अपने ठंडी चीज़ों में आराम से मिल जाती है, इससे वेस्टेज भी नहीं होता अपना। ये अब हम चटनी बना लेते हैं, ये धनिया है हमारा, धनिया अदरक टमाटर हरी मिर्ची लाल मिर्ची और ये पुदीना है, इनको हम पीस के हम हमारी चटनी तैयार कर लेंगे। ये एक बहुत हरी हरी सी चटनी होगी जो हेल्थ के लिए भी सही रहती है और खाने में भी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा इसमें ये डालो, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये हमारी चटनी को हम फिर से तैयार कर लेते हैं। ये हमारी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है, आज की खिचड़ी बन गई है, काली दाल की है, चावल की काली दाल की चटनी है। ये हमारी सब्जी भी इधर बन के तैयार हो गई है, चपाती बनानी है मुझे, अभी तो बारिश आई नहीं है लेकिन बारिश आने वाली है बस, तो मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।